जय हिंद दोस्त। पढ़ाई तो तुम लोग खूब कर रहे होगे, वो बहुत ज्यादा ही आजकल पढ़ाई कर रहे होगे। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी मैंने पिछले वीडियो प्लस एग्जांपल सॉल्व करा रखा था। आज जो पढ़ने वाले हैं यहाँ से ऑपरेशन, ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरेशन। बेसिकली देयर आर फोर ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बेसिकली देयर आर फोर ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। किसी किसी बुक में ये दोनों को एक ही मान लेता है, तो थ्री। क्यों? एडिशन बोले तो 2 + 1 इक्वल टू कितना, 3, या 2 - 1, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + - 1 इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्शन को भी किसी किसी बुक एडिशन ही कंसीडर करता है, लेकिन अपना लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली देयर आर फोर ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। तो इसके लिए कौन कौन सा ऑपरेशन फॉलो होगा? इसके लिए फॉलो होगा एक फर्स्ट एडिशन फॉलो होगा, सेम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में दो टाइप का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, क्या डिवीजन मैट्रिक्स में होता है? नो, नो डिवीजन, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक तरह का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है, ये कोई क्वांटिटी तो है ही नहीं। हम 12 / 3 इक्वल टू 4, क्यों? इसका कुछ वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 12 units, 3, जैसे 12 chocolate है, उसको 3 girlfriend में बांटना है, तो क्या पर गर्लफ्रेंड को कितना जाएगा? 4, क्योंकि ये। और मैट्रिक्स में वो एक तरह का अरेंजमेंट है, जैसे 2 3 1 2, ये क्या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को तो डिवाइड नहीं कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी विल टेल यू इन मिसलिनियस चैप्टर when we start why divisibility of matrix is not possible. Now come on the topic, addition of matrices. It कुछ इस तरह से बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, NCERT बुक में, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी, 1, 2, 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, बॉयज गर्ल्स, इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3, इसका ऑर्डर 3 रो है, 3 by 3, ये दोनों को ऐड करना है। इट मीन्स category 1, category 2, category 3। बोलेंगे टोटल बॉयज कितना है, तो ये 80 को
ये 80 में 90 में ऐड कर देंगे तो भी तो बॉयज़ बॉयज़ में ऐड होगा, कैटेगरी वन कैटेगरी वन में ऐड होगा। गर्ल्स के लिए 60 प्लस 50, फिर कैटेगरी टू में आते हैं 75 70, कैटेगरी थ्री का 90 प्लस 75, तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा। 80 प्लस 90 ये वाला, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली एलिमेंट को ऐड करना होता है, वही तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग जो जिस पोजीशन पे है वही पोजीशन पे ऐड होगा ना। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं, जनरलाइज फॉर्म क्या कहता है इसका। अगर ए कोई मैट्रिसेस है, पोजीशन इसका A1, A2, A2, A1, A2, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम, फर्स्ट कॉलम है तो 1 1, सेकेंड कॉलम है तो 2 2, थर्ड कॉलम है तो 3 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ रो 1 2 2 बाय 3, कॉलम 1 2 3 कॉलम है ना, इसको ऐड करना है बी में। बी इक्वल टू कितना, B 1 1, B 1 2, B 1 3, B 2 1, B 2 2, B 2 3, ये दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इट मीन्स वी ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन टू अदर, तो A 1 1 प्लस B 1 1, मतलब ये जो क्रॉस ये इसके साथ ऐड होगा, फिर ये इसके साथ ऐड होगा, A 1 2 प्लस B 1 2, A 1 3 प्लस B 1 3, A 2 1 प्लस B 2 1, A 2 2 प्लस B 2 2, A 2 3 प्लस B 2 3, ये दोनों को ऐड कर दिया ना। क्लास स्टार्ट हो गया, तब तुम क्लास करने आए हो आज, तुम्हारा तो क्लास छूट गया, तुम वीडियो लेक्चर से देख लेना, अभी आगे पढ़ाने दो। कहाँ थे अपना लोग, हाँ ए प्लस बी पे। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी टेस्ट बुक में एग्जांपल दे, इधर बैठो। गिवन ए कुछ मैट्रिक्स है ना, रूट 3 1 2, बी मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, इसका ऑर्डर कितना 2 3, इसका ऑर्डर 2 3, ये दोनों को ऐड करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना, जो जिस पोजीशन पे है उस दूसरे एलिमेंट उसी से ऐड होगा। ऐड कर दिए रूट 3 2, ऐड करके इस तरफ। तो एडिशन अभी पढ़े ना, दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस आर एडेड इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, बोथ हैव सेम डायमेंशन को ही कभी कभी ऑर्डर बोला जाता है ना, ऑर्डर को कहीं कहीं डायमेंशन बोला जाता है। ये दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहा है, इट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या ये ऑर्डर, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकता है क्या, ये ए 2 3 1 0, बी 1 2 3 1 0 1, ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, क्यों, इसका ऑर्डर कितना 2 बाय 2 का है, इसका 2 बाय 3 का है, ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर सेम है ना, समझ में आया, बिल्कुल आया, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा।
सिकेंड क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर और वेक्टर, स्केलर जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो उसी, वही तो स्केलर हुआ। जैसे ही, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं एग्जांपल, ए इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसको हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ट्वाइस ए, अगर ए तुम्हारा इस तरह का कुछ मैट्रिक्स रहेगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू ए कितना, मतलब हर एक मेंबर डबल हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए गेट्स डबल व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर टू, ये कि टू क्या है, स्केलर टू, तो हर एक एलिमेंट को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू टू जा फोर, वन टू जा टू, टू टू जा फोर, फाइव टू जा टेन, इस तरह से। अगर इसको थ्री ए निकालना है, इट मीन्स क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट वी मल्टीप्लाई बाय थ्री, अगर इसी को क्या हाफ करना, इट मीन्स क्या, वी हाफ ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर को हाफ कर देना है, वन वन बाय टू, वन फाइव बाय टू। अगर इसको जीरो 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 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स खुद खुद जीरो बन जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे था, पुराना वाला मैट्रिक्स को लिखते हैं, ए इक्वल टू कितना था, टू वन टू फाइव, इस मैट्रिक्स को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस फाइव, किसी मैट्रिक्स को जब माइनस कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ, ये जो मैट्रिक्स है, ए थ्री वन वन पॉइंट फाइव रूट फाइव सेवन माइनस थ्री टू जीरो फाइव, इसको थ्री ए निकालना है, तो हर इच एंड एवरी एलिमेंट या मेंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देना, इसका ऑर्डर कितना बोलो, क्या सही बोला, थ्री बाय थ्री, दो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए इक्वल टू वन टू थ्री, टू थ्री वन, बी इक्वल टू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन जीरो टू, ये दोनों को ऐड करना, बोलो ऐड होगा, ध्यान दो फिर से देखो, बोले ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करना है, क्या ऐड पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल ऐड पॉसिबल है, क्योंकि बोलो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका टू बाई थ्री इसका टू बाई थ्री, ऑर्डर सेम है, इसीलिए मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, तो कैसे ऐड होगा, इसको इसके साथ ऐड कर दें, बोलो तो कैसे ऐड होगा, लेट में आओगे तो कैसे समझोगे, पीछे देख लेना वीडियो, अभी बता देते हैं, वन को थ्री के साथ ऐड करेंगे, वन प्लस थ्री कितना फोर, टू इसके साथ ऐड करेंगे, टू माइनस वन कितना वन, थ्री थ्री सिक्स, टू माइनस वन कितना थ्री वन टू, मतलब वी एड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो जिस पोजीशन पे है ये, तो इसका पोजीशन इसके साथ होगा, और दोनों का ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर लिखना इम्पोर्ट एग्जाम में मस्ट है, नहीं तो नंबर कम लाना।
अब ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी ये कैसे होगा, ए ये ऐसे होगा, दोनों एलिमेंट इस तरह से लिख देंगे, 1 1 1, ए माइनस बी बोला है ना, माइनस बी, 3 माइनस 1 3, -1 0 2, ये देखो तो इधर 6 माइनस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस 2, 6 में -2 ऐड कर देना यानी 4, तो इसको 1 2 2 3 3 1, -1 अंदर से मल्टीप्लाई कर देना, -1 कितना, -3 1 -3 1 0, -2, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1 को इसके साथ ऐड करो कितना, -2, फिर 2 को 1 के साथ 3 को -3 के साथ 0, 2 को 1 के साथ ऐड करोगे 3 को 0 के साथ 0, 1 को -2, तुम तो बोलोगे तो माइनस था तो फिर ऐड कैसे किए, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर दिए, ये एग्जाम में बनाने का सही तरीका है, सही तरीका, तो गलत क्या है, गलत सीखना है, एग्जाम में सही बनाना पड़ता है ना कि गलत बनाना पड़ता है। जब क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़े थे तो उस समय कुछ प्रॉपर्टी था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड था एसोसिएटिव लॉ, थर्ड था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये कुछ प्रॉपर्टी था जो 9th-10th से ही दिखने को मिल रहा है, ये मैट्रिक्स में भी ये सब पॉसिबल, अगर कोई दो मैट्रिक्स से कम्यूटेटिव कहता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या, 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, यही तो कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही तो कम्यूटेटिव, समझ में आया नहीं आया ना, कम्यूटेटिव लॉ जैसे रेशनल नंबर में पढ़े थे या नंबर सिस्टम में पढ़े थे, नंबर्स आर कम्यूटेटिव, जैसे दो नंबर को जोड़ेंगे 5 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 5, अगर इसको ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है नंबर में, इसी को तो कम्यूटेटिव बोलते हैं, और यहाँ मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में कैपिटल ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कैपिटल ए बी क्यों लिखे, क्योंकि ये होल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड फॉर थ्री नंबर, एसोसिएटिव लॉ जैसे जैसे 2 प्लस 3 को एक साथ ऐड कर देंगे, 5 को बाद में ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 6, 6 इसको बोल देते हैं, दूसरी बार में क्या करेंगे, 3 प्लस 5 को एक साथ ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू कितना, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, इसका 2 प्लस 9 इक्वल टू 11, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है,
इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी को एक साथ ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे क्लास नाइन्थ या ए सेवन में ही था, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ माइनस टू थ्री सेवन। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें क्या ऐड करे, एडिटिव है ना, क्या ऐड करे, आइडेंटिटी मतलब वही रह जाए, क्या ऐड करे, माइनस टू में क्या ऐड करे, जीरो, थ्री में क्या ऐड करे, जीरो, सेवन में क्या ऐड करे, जीरो, 2009 में क्या ऐड करे, तो जीरो। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सारा मैट्रिक्स का आइडेंटिटी होता सेम। अगर कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू टू थ्री फाइव नाइन टू वन, इसका बोलेगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना, टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री ऑर्डर का ही जीरो मैट्रिक्स लिख दो, जीरो 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 टू, ये इसका क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, क्या ऐड करे कि मैट्रिक्स वही रह जाए। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कब आता है ना, एडिटिव इनवर्स इट मींस माइनस थ्री का एडिटिव इनवर्स, फाइव माइनस फाइव का, 2009 का, सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब क्या ऐड कर देंगे कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। इसमें थ्री ऐड कर देंगे, इसमें फाइव ऐड कर देंगे, इसमें माइनस नाइन ऐड करना पड़ेगा, इट मीन्स इसमें माइनस सेवन ऐड करना पड़ेगा, इट मीन्स जो भी नंबर रहता है उसको निगेटिव कर देते हैं, एडिटिव इन्वर्स तो वही हुआ। कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, ये प्रॉपर्टीज, सम स्केलर प्रॉपर्टीज, ये मल्टी, अब स्केलर प्रॉपर्टीज, ये एडिशन का प्रॉपर्टीज था, स्केलर प्रॉपर्टीज क्या, नंबर सिस्टम में भी पढ़े थे स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना होगा, एक प्रोसेस है थ्री इंटू थ्री करके कितना कर देगा नाइन, दूसरा प्रोसेस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेगा सिक्स, फिर वन को थ्री से मल्टी थ्री, उसी तरह स्केलर मल्टीप्लीकेशन में होता है, के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी है, इट मीन्स क्या, के ए प्लस के बी, यही तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी है। यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ, एग्जाम में इसी तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफिनेशन याद रहना चाहिए। ए कोई मैट्रिक्स है ए टू जीरो फोर, इसका ऑर्डर कितना, थ्री बाय टू, इसका ऑर्डर थ्री बाय टू, इसका मतलब दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन दो से मल्टीप्लाई करके, इसको हर एक एलिमेंट को दो से मल्टीप्लाई करके, और इस बी वाला को फाइव से मल्टीप्लाई करके, एक तरह का ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करोगे ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, जनरल वे में सॉल्व करना है, जैसे यही है टू ए प्लस थ्री एक्स इक्वल टू कितना, फाइव बी, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, तो थ्री एक्स को इधर ही रहने देते हैं, फाइव बी माइनस टू ए, मतलब फाइव टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स b, b कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख के लिखेंगे, b इक्वल टू दिया हुआ है b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b इक्वल टू टू माइनस टू फोर, टू माइनस फाइव वन, ए एट जीरो फोर माइनस टू थ्री सिक्स, फाइव इच एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव टू जा टेन, माइनस टेन ट्वेंटी,
प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, -25, 5, 8 2 16, 0, 8, -4, 3 2 6, 6 2 12, इसको सॉल्व कर दे तो, इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना, 2 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, -16 -8 +- अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 - 16 कितना, -6 - 10 = 12 - 6 = 14 कितना, 31 कितना, 7, 5 को -12 में ऐड किए तो कितना, 3x का वैल्यू हो गया ना, तो x का वैल्यू कितना, 1/3, इसको सॉल्व यहाँ से भी आंसर रख सकते हो, इसके आगे भी बना सकते हो, 3 अंदर प्रत्येक एलिमेंट में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 से नहीं, 1/3 से, तो आंसर कितना, -2 - 4, -31/3, -10/3, 14/3, -7/3, इसका ऑर्डर लिखना मत भूलिए नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। आगे भी इसी तरह से सॉल्व करने का कोशिश किया है, a+b का कुछ वैल्यू दिया रहता था, a-b का, तो दोनों को ऐड करके एक वैल्यू निकल जाएगा, तो 2x करके। इस टाइप का क्वेश्चन 9th में बनाया है, 9th में अंतर इतना ही रहता था, x + y = कुछ वैल्यू दिया रहता था, यहाँ रिप्रेजेंटेशन है तो एडिशन तो बता ही दिए, सब्ट्रैक्शन भी तो बता ही दिए। ये क्वेश्चन एक अच्छा है, इस तरह से बना लेना सॉल्व, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और पढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन बता देता, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड बी इज एन n×p मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देन ए बी एग्जिस्ट। जैसे हमने बोला था दो मैट्रिक्स a+b कब कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है IFF, इफ एंड ओनली इफ का IFF लिख दो, इसका इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर कराना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ए एंड बी एग्जिस्ट तो ही करेगा जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर कुछ इस तरह से हो, अगर ए का ऑर्डर 2/3 का हो तो बी का कितना रहना चाहिए, ए अगर इतना है तो बी का ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 3/4, 3 अपन कुछ भी, मतलब ये फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल टू सिकेंड का नंबर ऑफ रो, तो ही दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ही दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5x8 है, तो बी का ऑर्डर क्या होना क्या चाहिए, इसका 8 है तो इसका 8 बाय समथिंग कुछ भी रहेगा, 2, 3, 4, 5 उससे कोई मतलब नहीं है, बट सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? आया, आएगा क्यों नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, आएगा। ये फर्स्ट था ना, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, आई और केथ, मतलब ये पोजीशन को बताता है, आई रो में के कॉलम में, एलिमेंट ये थ्योरी है, उतना ध्यान मत देना। एलिमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड केथ कॉलम, कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ अगर जो एक रो का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आइथ रो, आई रो का दूसरे का के कॉलम के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि दो मैट्रिक्स है तुम्हारा ए इक्वल टू 2, -1, 3, 4, 1, 5, बी मैट्रिक्स है -1, 3, 2, -1, इफ ए इक्वल टू फाइंड ए बी, ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, पहले तो एग्जिस्ट करेगा ये कि नहीं का, ए का ऑर्डर कितना 3/2 का, बी का ऑर्डर कितना 2/3, द नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, इट मींस ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, कॉमन कॉमन कॉमन, तो 3/3 का, ये तो कॉमन ही है, बचा इसका ये, तो ये और इसका ये लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, रॉ इधर रॉ और इधर सॉरी इधर रॉ इधर कॉलम, रॉ एलिमेंट को कॉलम वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ एलिमेंट को कॉलम वाले के साथ, जैसे दो, दो को किससे -1 से प्लस, -1 को किसके साथ दो के साथ, मतलब रॉ एलिमेंट का, रॉ एलिमेंट वाले को कॉलम एलिमेंट वाले के साथ रिलेशन, रिलेशन मतलब दूसरा मत समझ जाना, साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो एलिमेंट रॉ में है, रॉ वाली एलिमेंट को कॉलम वाली के साथ मल्टीप्लाई करना, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हैं, फिर से देखते हैं, ए इक्वल टू 2, 3, 1, -1, 4, 5, बी इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू -1, 2, 3, 1, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3, तो ए बी कैसे निकलेगा, पहला वाली का रॉ दूसरा वाली का कॉलम, पहला वाली का रॉ कितना 2 है, पहला वाली का रॉ दूसरा वाली का कॉलम, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1 के साथ, उसके बाद ऐड कर देंगे, फिर -1 को किसके साथ 2 के साथ, मतलब जो पोजीशन रॉ में रहेगा वो कॉलम वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बात पे ध्यान दियो,
बात पे ध्यान दियो, रॉ वाली एलिमेंट को कॉलम वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको देखो तो सेकेंड रॉ में चलेंगे, थ्री फर्स्ट कॉलम थ्री इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू टू, फिर वन इंटू माइनस वन प्लस फाइव इंटू टू। समझ में आया क्या? पहला रॉ का पहला कॉलम वाले के साथ, फिर पहला रॉ का दूसरा कॉलम वाले के साथ, फिर पहला रॉ का तीसरा कॉलम वाले के साथ, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दो ही कॉलम है तो दो तक ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहला रॉ का दूसरा कॉलम वाले के साथ दो क्रॉस थ्री, फिर प्लस माइनस वन को वन के साथ, फिर सेकेंड रॉ को थ्री प्लस फोर टू वन, फिर वन इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू वन। इसका ऑर्डर कितना? थ्री बाय टू का ऐड करके बताओ तो कितना होगा? ऐड करके बताओ तो माइनस फोर फिफ्टीन, फाइव थर्टीन, नाइन एट, नाइन एट एट एट। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया, नहीं आया फिर से एग्जांपल देते हैं। दो कोई मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से है, इसका मेंबर ये है, इसका मेंबर ये है, ये एक और दिल है जिसमें तीर लगा हुआ है, ये एक और सिंबल है कुछ इस तरह से है, एक और सिंबल है जो इस तरह से है, एक और सिंबल है जो इस तरह से, लिपस्टिक, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ, पेन है, ये बुक है, ये पेपर है, ये बुक पेपर 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 बॉल, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसका ऑर्डर कितना? थ्री बाय टू का। इसका ऑर्डर टू बाय टू का, इट मीन्स दो दो मिल गया, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ए बी इक्वल टू कैसे होगा? पहला रॉ का दूसरा कॉलम वाले के साथ, यानी स्टार को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पेन के साथ, प्लस फिर पेपर के साथ। समझ में आया क्या? पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फर्स्ट बार में कॉलम को लेकर चलेंगे, फिर ये दिल आशिक टूटा हुआ, इसको पेन के साथ, पेपर के साथ, ये रेक्टेंगल को फिर इसके साथ पेंसिल के साथ, लिपस्टिक को पेपर के साथ, फिर इसके साथ। अब इसका तो काम हो गया, फर्स्ट रॉ में तो लिख दिया, अब सेकेंड रॉ में लिखना हो तो सेकेंड रॉ को ध्यान देना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, रॉ को बुक के साथ, बोलो बोलो बोलो, फिर हार्ट को बॉल के साथ, फिर मजनू आशिक को बुक के साथ, प्लस इसको बॉल के साथ, फिर रेक्टेंगल को बुक के साथ। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मजे मजे में आ रहा था, ये बट कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा।
तुम सोच रहा होगा ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताए। समय का धैर्य रखो, पहले मैथ के रूप में समझाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से मैथ पढ़ रहे हो तो कोशिश करो इस फॉर्म में समझने का, ये ऐसे में तो कोई भी सीख लेगा, बट मैथ को मैथ के तरह सीखो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हमको नहीं लगता अब कुछ परेशानी होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर एक का ऑर्डर टू बाय लिपस्टिक है, लिपस्टिक का स्पेलिंग गलत हो, क्या करें, यूज नहीं ना करते, तो सिकेंड मैट्रिक्स होगा उसका लिपस्टिक इनटू कुछ रहेगा। मतलब जो मैट्रिक, लिपस्टिक मत समझ लेना, मैथ समझो, मतलब जो ऑर्डर यहाँ पे रहेगा वही ऑर्डर का यहाँ पे रहेगा, मतलब जो रॉ, जो कॉलम, पहला वाले का कॉलम, दूसरा वाले का रॉ, ठीक। ए का अगर इतना ऑर्डर है तो बी का कितना ऑर्डर होगा, तो बी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ भी रहेगा 21 2। मैन यही पे फोकस करता है, कॉलम रॉ के साथ इक्वल होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ए इक्वल टू कुछ लिख देगा, इसका ऑर्डर कितना 2/3, बी इक्वल टू कितना 3/3, बोलेगा क्या ए बी का, ए बी पॉसिबल है, हाँ ए बी तो पॉसिबल है, इसका ऑर्डर क्या, बी ए भी पॉसिबल है, बी ए के लिए बी को पहले लिखेंगे तो बी 3/3 ना, इसका 2/3। देखो तो फर्स्ट वाला का बी क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट वाला का कॉलम, सेकेंड वाला का रॉक इक्वल है, नहीं इक्वल, इट मीन्स बी ए इज नॉट मल्टीप्लीकेबल, बी ए इज नॉट मल्टीप्लीकेबल। यहाँ तक तो बात समझ में आई, मुझे भी आई। अब एनसीईआरटी बुक की ओर देखते हैं, तो यहाँ भी समझाने की कोशिश किया, ये सी और डी को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट रो कितना अच्छा समझा दिया, रंगने वाला दिल बना बना के, दिल बना बना के फाइंड ए बी, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, जैसे वही ए बी और बी ए में से दोनों इक्वल है, यानी इक्वल है, इक्वल, जैसे जैसे अपना लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर 2 × 3 इक्वल टू कितना 3 × 2, दोनों का तो सेम हो जाता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी इक्वल हो भी जाता है, कभी कभी इक्वल नहीं भी होता, जैसे कि ये ए और बी, इसका ये करके देखना बन जाएगा, कुछ जो जो थ्योरी था वो हमने बता रखा है पहले से, जैसे सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना, इम्पोर्टेंट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लाई इससे बेहतर तरीका नहीं है, पहला वाला का रॉ, दूसरा वाले का कॉलम ऐड कर दो, फिर दूसरा रॉ, फिर कॉलम, फिर तीसरा रॉ, फिर कॉलम, फिर दूसरा कॉलम एंटर करेंगे, फर्स्ट कॉलम लिख दिए, फिर सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम वाले के साथ। द मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ए ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है क्या, नहीं होता। एसोसिएटिव कहता है ए बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, जैसे कि 2 × 3 × 4, तो
थ्री फोर को एक बार मल्टीप्लाई कर लो और दूसरा बार टू थ्री को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। वही तो बताया है इस चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ए बी सी ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सर नंबर सिस्टम में पढ़ना था या दिला देते हैं, 1 + 5 तो इसको ऐसे भी चल लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 2 + 10 = 12, उसी तरह नंबर सिस्टम में है, ए मैट्रिक्स में इक्वल टू कितना, ए बी प्लस ए सी। ये सब तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन संभव हो। मल्टीप्लीकेशन कब संभव हो, जब कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट का ऑर्डर कितना m इंटू एन का है, तो b का ऑर्डर कितना होना चाहिए, n इंटू समथिंग। इस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे वही होगा जो यहाँ पे होगा। मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव। ये किस चीज़ से मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी रहेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी 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 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आई इक्वल टू क्या, डायगोनल एलिमेंट में कितना भी ऑर्डर का रहे वो लिख दो, कितना 4 by 4 का बनाना, तो डायगोनल में 1 1 लिख दो और एलिमेंट में 0 भर दो, ये कितना हो गया 4 by 4 का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर आई इक्वल टू ए। ये सब कुछ खास है नहीं, कैलकुलेटिव चैप्टर है, देख रहे हो इस समय क्या है बताएं। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, सो दिस मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब यही तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना, याद हो ही जाता है क्वेश्चन बनाते बनाते। इसको सो डेट करना है, ए पहले ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, सेम को सेम से तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर को फिर वही ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आ जाएगा। सिंपल है, बना के देखना, कमेंट में लिख देना, सब हम बना देंगे तो फिर तुमको समझ में क्या आएगा। ये 3.2, बेचैन बेबस खुद से रूठा मैं घूमूं, तुझ पे मैं चीखूं या फिर माथे को चूमूं, चाहूं भुलाना तुझको होता हूं नाकाम, कैसे तू कर लेती है सोचे दिल हैरान, तुझे मेरी